बेसिकली हमने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे थे क्योंकि आप लोग को पता है कि हम काफ़ी गैप के बाद में आने वाले थे रिकॉर्ड करने के लिए एंड अचानक वन ऑफ द वीडियो गॉट अ स्ट्राइक, तो उस वजह से इतना लंबा गैप, बहुत लंबा गैप एंड हमने उस चैनल का और भी रिएक्शन दिया हुआ है, कभी स्ट्राइक नहीं आया, कभी आई थिंक कॉपीराइट्स भी ज्यादा नहीं आए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो स्ट्राइक आया जिसके वजह से लाइक शिट व्हाट, बहुत डरावना होता है, बहुत ज्यादा डरावना, आई नो एंड मतलब ना देख देख के चलना पड़ता था, वो ऐसा होता है ना फूक मार मार के चलने का, हर कोई रिएक्ट करता है, अपना ही क्यों ऐसा होता है, आई डोंट नो मतलब क्या स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि यू नो लोग रिएक्ट करते अपना ब्लॉक हो जाता है, अपना स्ट्राइक आ जाता है, तो वो प्रैंक वाला था यार, या इट गॉट अ स्ट्राइक ना, तो ऑल ऑफ अ सडन हमें स्ट्राइक आया जिसकी वजह से हमने वीडियोज अपलोड नहीं किए थे, इतना सारे दिन नहीं कर पाए थे एंड रोज अलग अलग चीजें देखने मिलती है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कॉन्टेंट ढूंढने में इन दिनों, लेकिन फिर भी इट्स फन की आप हर टाइम मतलब यू नो 10-15 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक टाइप लगता है, और 2.0 में इट्स लाइक हम पूरे टाइम ऐसे रहते हैं, अब क्या होगा, तो वो एक दिमाग में अलग चल रहा है। वैसे आज के लिए मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए क्योंकि एमा बैग इतनी टाइम बाय एंड वापस ये कॉम्बिनेशन आ रहा है अदनान काजी एंड एमा बैग का, जो हमें लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो, म्यूजिक वीडियो, तो अगेन बैक टू इट, तो इतना हम ऐसे वेट कर रहे थे यू नो कितने ये एक वीडियो, ये तो चलो रिसेंटली था, अदनान काजी वैसे भी हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, उनका डायरेक्शन बहुत अपीलिंग है, बहुत बहुत फ्रेश है, बहुत क्रिस्प है उनमें सब कुछ, और टोन जो यूज करते द टेंट वो बहुत प्रिटी यूज करते थे, उनके सॉन्ग्स को प्रॉपर सूट होता है, वो मूड सेटर होता है उनका एकदम, एंड ये गाना भी हमने सुन रखा है जो बहुत अच्छा भी गाया था, एंड अब उसका हम फीमेल वर्जन सुनने जा रहे हैं जो आई थिंक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत टाइम से गायब मक्का का भी गाना अपन को चल रहे हैं, अचानक से काफी सारे आर्टिस्ट ऐसे लग रहे हैं ना बहुत गायब है हमारे लिए एटलीस्ट, हाँ अगर कुछ कर भी रहे तो हम तक हम पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, तो ठीक है आई थिंक लेट्स स्टार्ट, क्या हुआ था कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, सदाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बुलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, दुनिया तुम्हें
हम लोग कैसे अगर एक आर्टिस्ट का कोई सॉन्ग पसंद करते हैं उस आवाज में यूजुअली दूसरा आर्टिस्ट ही नहीं अच्छी इतनी लग पाती क्योंकि एक टाइप के लिए एक आवाज वैसी ही अच्छी लगती है. बट शी हैज दिस थिंग कि वो कोई भी टाइप के गाने के हिसाब से खुद को उतना ट्विच करके इतना अच्छे से रहते हैं ना. बहुत पता नहीं वो इतना अडेप्ट कर पाते इतना इजीली लाइक यू नो स्पेसिफिकली वो जैसे दिखते हैं. आई थिंक वो कहीं वो कुछ भी बन सकते हैं दिख सकते हैं. एट टाइम्स मुझे काफी बार पता है स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लगता था कि एमा वेग हमारे सामने आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा बिकॉज वो इतनी डिफरेंट दिखती है शुरू में. हाँ शुरू में एक आधे गानों में उनके एकदम अलग से एकदम अलग लुक में हमने उनको देखा था इनिशियली. एग्जैक्टली वो इतनी डिफरेंट दिखती है कि वो पहचानना मुश्किल हो जाता है. तो आज भी उनको देख के ऐसा लग रहा था एक तो हम उनको बहुत टाइम बाद देख रहे हैं सेकेंडली वो बहुत सेंसुअल थे पूरे गाने में लेकिन उनका लिप्स सिंक बहुत इंटेंस फेस में थे. नॉर्मली वो बहुत अलग भी दिखते हैं तो मुझे वो वापस वो पुराने दिनों की याद आई जहाँ पे हम एमा पैक को इतना कंज्यूम किया करते थे बहुत ज्यादा. इसमें एंड में जो मॉन्टाजेस थे वो कितने मस्त लग रहे थे क्योंकि शुरू में सिर्फ उन पे फोकस था एंड देन एंड में क्लाइमैक्स जैसा ये सारे सीन्स आए वो बहुत प्रिटी था वो पूरा मतलब कोई ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर में कोई नेचर का कोई क्योंकि वो डिपिक्ट करते हुए डाला हुआ है सारे सीन एंड बहुत थॉटफुल था वो एंड उसका बहुत इम्पैक्ट था लेकिन वो पूरे जबकि पूरे म्यूजिक वीडियो में कुछ भी और नहीं था लेकिन जस्ट वो एक सीन में इतने सारे छोटे छोटे चंक्स थे तो बहुत अच्छा लग रहा था वो देख के. बहुत इसमें कैफी खलील भी होनी चाहिए थी ना साथ में होना चाहिए था बहुत मजा भयंकर एकदम बहुत टोन भी काफी हद तक कैफी खलील का लिया हमें वर्ड्स नहीं पता हम नहीं ट्राई करेंगे वो बट हां लोकल लैंग्वेज में उसको बेस बोलते हैं. अच्छा हां बेस आई कैन बेस तो फिर भी प्रोफेशनल बोलूंगा मैंने बाहर बोला लेकिन आई डोंट नो देयर इज समथिंग जो जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते लेकिन वो इसमें एक्चुअली मेन चीज वही है कि उन्होंने लिरिक्स इतने सुंदर लिखे हैं ना कि रॉ है इजी टू कनेक्ट है कि आप बहुत इजीली वो समझ जाते हो वो फील में चले जाते हो उस तरीके से. आल्सो कितना मिनिमल था वहां से उठ के जस्ट वो थोड़ा आगे तक आए दैट्स ऑल कितना प्रिटी लग रहा था. Oh, it was so good and we are so 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 sorry. हम लोग को इतने दिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए उस बारे में. थैंकफुली सब थैंकफुली 2.0 पर अभी अपन कुछ डाल पाते हैं या तो एटलीस्ट लोगों को ये तो पता है कि वी आर देयर ठीक है सब कुछ एटलीस्ट रोज अपलोड हो रहा है मतलब है तो सही. अरे सच्ची इतना लंबा गैप मतलब इट्स डिफिकल्ट लोगों को ऐसा लगा भाई कहाँ गायब हो गए तुम गायब कोई रीजन से हुए भाई बट ठीक है नाउ वी आर बैक एंड काइंड ऑफ यूज्ड टू इट. पहले हम लोग फर्स्ट टाइम में तो क्या टेंशन में गए थे. फर्स्ट टाइम तो जब स्ट्राइक आया था हम लोग की शक्लें उतर गई थी हम इतने हैप्पी फेसेस में थे अचानक स्ट्राइक आने के बाद वी थॉट इट्स द एंड मतलब खत्म हो गया. अब हम क्या करेंगे अब हम कैसे करेंगे हम किसी पे भी नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि प्रैंक वाले वीडियो पे करना सबसे स्टुपिड थिंग था. प्रैंक वाले ने खुद ने डाला है उनको कुछ है नहीं हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं दैट्स यू नो ऐसा कुछ वायलेटिंग चीज डालना वो नहीं था. इट वॉजन हार्मफुल जिसने डाला है कितने सारे लोगों ने क्लोज व्यूज थे यार हमारा अचानक यूट्यूब ने स्ट्राइक मार दिया. मैंने जबकि काफी बार यू नो उनसे चैट पे कनेक्ट करने का ट्राई किया नथिंग नेवर माइंड नाउ वी आर बैक सो सी यू टुमारो टेक केयर बाय बाय.